नमस्ते मित्रों, गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हैं। तो श्राद्ध शुरू हो गए हैं और आज चौथा श्राद्ध है। आज मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि मेरे पापा के दादाजी का श्राद्ध है, तो हम वही मना रहे हैं आज। और अभी मेरे दादी जी पूजा करने लगे हैं, तो मैं दिखाती हूँ तुमको। यहाँ पे प्लेट में 3 पूरियाँ रखी हैं। इसमें से एक गाय की है, एक कुत्ते के लिए है और एक कौवे के लिए है। रवि, एक मिनट आ बेटा। और श्राद्ध में अब क्या करना है? सबसे पहले जो भी खाना बनाया है, तो सबसे पहले ये 3 पूरियां चढ़ानी है गाय, कुत्ते और कौवे की। ये उसको दे दो लाइक का। चलो ले लाइक का, लाइकू ले लाइक का, हाय बोल दे यार, कूल है। ले पूरी खा ले बेटा, उठ जा। तो लाइका भी बहुत सुस्त हो गई हुई आजकल, अब ये बेबीज देगी, दिसंबर तक बेबी देगी अपने। ले लाइका पूरी खा ले, खा ले खा ले लाइका, खा ले। हाँ जी खा ले, पूरी खा ले। मित्रों, अब मैं जाती हूँ किचन में और खाना देखते हैं कि क्या क्या बना है। मम्मी सुबह से लगी हुई है खाना बनाने आज रात का, सो चलो देखते हैं कि क्या क्या बनाया है मम्मी ने। सो आज बना है सूजी का हलवा, ये है कद्दू और ये घर का कद्दू है, कल ही तोड़ा था। और यहाँ पे है दही भल्ले, और ये है व्हाइट चने, तो बस यही बना है। और पूरी मम्मी बना रही है, और ये यहाँ पे टिफिन में पंडित जी के लिए डाल के रखा है। और ये लो मित्रों, पूरियां भी आ गई, ये पंडित जी के लिए रखी है निकाल के पूरियां। और ये यहाँ पे मम्मी पूरियां बना रही हैं, अभी बेल रहे हैं। और ये मम्मी बस गर्मा गर्म पूरी इधर तल रहे हैं, ये लगी अब फूलने। तो अभी पंडित जी का खाना पैक कर दिया है, वही लेके मैं और पापा निकलने लगे हैं। पंडित जी को दे के आएंगे और फिर खाएंगे, तो जल्दी से जाते हैं क्योंकि मेरे से तो वेट नहीं हो रहा है। तो पंडित जी को दे के फिर आके हम लोग खाएंगे। पापा चलो, तो बस अभी निकलने लगे हैं। पंडित जी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से मतलब अप्रॉक्स 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं है, उससे भी कम है। सो बस फटाफट बाइक पे जाके देखे आते हैं। किस पे जाना है? बाइक पे और बुलेट पे, किस पे? बाहर चल तू, वहाँ से बैठना। चलो तो पापा बाइक निकालने लगे हैं अभी। बाइक से
पहुंच गए हम लोग और अभी मैं घर जाने लगी हूँ अंदर। आंटी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आपको फोन हमने किया, आप आए नहीं? किया? और क्या, कब? कल कर रहे थे हम फोन। As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this love, being too faithful, so young and dumb, I never learned it. Mama told me you should never play with the heart. Maybe I should told you this right from the very start. Baby, I was tired of you playing my broken heart. Now it's you that want to restart. But I am so, so dumb with our path. I don't want to be your half. No more time for laughs. Never ending broken hearts. I'll keep working hard through the dawn and through the dark. Someday I will see us apart. Mummy, hum ghar aa gaye. De aaye beta? Ha le aaye. Dakshina de di thi. Panti. Ye gaay ko deo, fir main aapko khana dilata hoon. Chalo. To ye pani kahan dena hai? पानी मम्मी। तो सबको पूरी दे दी, लाइका को भी दे दी, कौवे के भी दे दी, बस एक ये गौ माता की रह गई थी। तो अभी मैं पीछे जा रही हूँ, हम पहले गौ माता को रोटी देंगे और फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। और यहाँ तक आई गए हैं तो आप लोगों को मंगलू भी दिखा देती हूँ। ये बैठा हुआ है यहाँ पे। मंगलू क्या कर रहा था? ओ मैया मंगलू, मंगलू हेलो मंगलू। मंगलू क्या कर रहा है? मंगलू घास खा रहा है और मंगलू मक्खियाँ उड़ा रहा है। चलो मंगलू बाय बोल दो अब। और ये रे इसकी मम्मी, ये भी घास खा रही है। तो सबको खिला दिया और नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10-10 बजने लगे हैं। मुझे तो अभी सच्ची बहुत भूख लग रही है, वेट नहीं हो रहा। तो बस अब मैं तो जाके एकदम टूट पड़ूंगी। और वो भी इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया, तो वैसे ही मतलब देख के ही मेरे को तो भूख लग गई थी। तो अब जाते हैं और मैं सबसे पहली चीज बस ब्रेकफास्ट करूंगी। तो फाइनली ब्रेकफास्ट मिला मुझे, ऐसा अच्छा अच्छा खाना देख के वैसे ही भूख लग गई थी। तो मैं खा के बताती हूँ आपकी कैसा है। बहुत ही टेस्टी है। अभी मैंने खाया था कद्दू, अभी चना खाती हूँ। बहुत ही अच्छा बना, मजा आ गया खाना खाके। तो पहले मैं खाना खाती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। तो मित्रों अपना खाना तो हो गया, अब जो हमने शरारत कर रहे हैं आज, तो जो इसमें खाना बना है ये अपने पड़ोस में भी बांटते हैं, आसपास के लोगों को भी देते हैं, खिलाते हैं उन्हें। तो काफी एक दो लोगों को दे दिया है और अभी मैं अपने ताए जी को देने जा रही हूँ। तो बस अभी उन्हीं की थाली तैयार कर रहे हैं। चलो तो ये थाली तो तैयार हो गई, अब ढक के मम्मी जाएंगे देने। I'm feeling too
टू स्लीपी और सो लेजी, पर काम तो करना ही पड़ेगा, तो घर पे काम लगा हुआ है, वर्कर्स लगे हैं, उनके लिए चाय रखती हूँ और मम्मी बोल रही है उनको भी साथ में पूरी और हलवा, मतलब जो भी बना घर पे वो थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड थॉट, खिलाना चाहिए, अच्छी बात है। तो मम्मी अभी लगे हैं पूरियाँ बनाने और मैं चाय रखती हूँ साथ में, मुझे भी चाय पीनी पड़ेगी क्योंकि इतनी नींद आ रही है, तो थोड़ी चाय पी के थोड़ा अच्छा फील होगा। आपने पीने मम्मी चाय? हाँ पीने पर अच्छी बात है। हेलो गुड मॉर्निंग ऐसी चाय बना रही हूँ, मैंने दूध और पानी साथ में डाल दिए, तो ये मेरा स्टाइल है भाई, मेरी न्यू रेसिपी है चाय बनाने की, ऐसे बनाती हूँ और अच्छी बनती है, ऐसा नहीं बुरी बनती है। तो कैसे चाय, मतलब दूध और पानी पहले ही मैं उबाल के उसके बाद में पत्ती डालती हूँ तो अच्छी बनती है। तो अब जब चाय में उबाला आ जाएगा, बॉयल हो जाएगी, उसके बाद में पत्ती डालूंगी और चीनी लास्ट में डालनी है ताकि कलर अच्छा आए। चाय बन गई है भैया लोगों की, अब उनको दे आती हूँ। ये रही चाय और साथ में मम्मी ने थोड़ा सा प्रसाद भी रख दिया है। मम्मी इधर आना। तो यार एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में चाय है, चुन्नी गिर जा रही है भैया। ये प्रसाद दिया मम्मी, ठीक है। तो घर पे हम लोगों ने काम लगाया हुआ है, टाइलें वगैरह लगा रहे हैं पूरे घर पे, क्योंकि जो पुराना जो फर्श था, बहुत ही पुराना घर है, मतलब 40 साल से भी ऊपर होंगे, तो जो पुराना मतलब पुराना फ्लोर था वो सारा टूट गया था, तो अब जाके टाइल्स लगवा रहे हैं, तो इसका ही मतलब बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। और सब कुछ क्योंकि अभी रूम्स में भी लगेंगी, तो रूम से भी सारा सामान, बेड वगैरह सब हटाना पड़ेगा, तो मेरे को तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक मतलब बहुत जैसे अनसेटल्ड हो गए हुए, तो वैसी फीलिंग आ रही है। तो बस वेट कर रहे कब ये सब काम ख़त्म हो, फिर एक बार पूरे घर की अच्छे से सफाई करेंगे, तब जाके हाँ लगेगा कि मतलब बैठने को जगह मिलेगी, अभी तो बैठने और सोने के लिए मतलब बहुत हौच पौच हो गया हुआ है सब। फाइनली जाके अब रेस्ट कर रही हूँ और ये इंजॉयिंग अ वार्म कप ऑफ मसाला चाय, सो विद माय मॉम। और आज पता नहीं, पहले मुझे लग रहा था कि बहुत लेजीनेस है, बट एक्चुअली तबीयत खराब लग रही है क्योंकि सिर भी अब सिर दर्द शुरू हो गया, हल्का हल्का बहुत भारी भारी लग रहा है सिर। सो आई एम थिंकिंग कि ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, बट बेटर है कि पहले मैं रेस्ट कर लूँ थोड़ा, जब तबीयत बेटर हो जाएगी उसके बाद देन आई विल मेक अ न्यू व्लॉग। सो आई विल सी यू गाइज इन न्यू वीडियो न्यू व्लॉग, एंड इफ यू गाइज आर न्यू ओवर हियर प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो बेल आइकॉन भी दबा देना, और साथ में डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। सो आई विल मीट यू गाइज इन द कमेंट सेक्शन, एंड उसके बाद मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।